माने भाई वेलकम बैक टू माई चैनल सूबिया शहबाज। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी ये मैं खाना बनाने लगी थी, तो मैंने पहले मेरे हस्बैंड को बहुत भूख लग रही है तो बोले फ्रूट चाट बना दो, फ्रूट्स भी रखे हुए थे तो मैंने कहा फ्रूट चाट बना दूँ और आप लोगों को दिखाऊँ मैं किस तरह फ्रूट चाट बनाती हूँ। पहले मैं बना लेती हूँ फिर आपको इसके दिखाती हूँ किस तरह बनी है। तो जी ये मैंने फ्रूट कट्स कर लिए हैं और अब इसमें मैं डालूंगी नॉर्मल सी चीनी डालूंगी। तो जी मैंने इसमें चीनी और चाट मसाला डाल दिया। अब मैं अपने हस्बैंड को ये दूंगी, फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर आलू का पुलाव, तो चलें फिर वो स्टार्ट करते हैं। देखी रख दी है, मैं बनाना चले स्टार्ट करते हैं मटर आलू का पुलाव और फिर स्टार्ट करते हैं। चलें इसमें पहले ऑयल डालेंगे हम। ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। अब ये मैंने ये देखें प्याज कटिंग, दो मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसको मैंने बड़ी साइज़ की मतलब उसको मैंने कट करके रख लिया। आलू मैंने छोटे आलू थे तो मैंने 8 से 10 लेके रख लिए और चावल मैंने निकाल लिए हैं। पहले मैं ये प्याज इसमें डाल दी, तो जी प्याज पहले मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो जी अब प्याज साथ से फ्राई हो रहा है, इसमें मैंने 2 बादियान के फूल मैंने लिए हैं, ये डालेंगे। और इसमें 8 से 10 लौंगे लिए हैं, साबुत गोल मिर्ची ली है काली वाली और तेज़पत्ता लिया है मैंने, टुकड़े हुए हुए थे तो ये ले लिए। अब हम इसमें साथ ही डाल देंगे और अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जी प्याज ब्राउन हो गया है, देखिए कितना माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें ये डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर आप सोच रहे हैं इतनी कम क्यों डाली, मेरे पास थे ये ख़त्म हो गए टमाटर, बस मैंने ये डाल दिए, ख़त्म हो गए थे टमाटर बस। अब ये डालेंगे, अब इसमें स्पाइसिस डालेंगे इसके 1 टेबल स्पून नमक, 1 रेड चिली पाउडर, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा और 1/2 टीस्पून ही सौंफ, तो भी अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। और उसमें हल्का सा पानी थोड़ा सा लगा देंगे ताकि ये लोग यकजान हो जाए, मतलब एक साथ हो जाए, मिक्स हो जाए ये सब चीज़ें, तो इस वजह से इसमें पानी लगाएंगे थोड़ा सा। तो जी मसाला हो गया तैयार। अब इसमें हमने मटर लिए थे ये पूरे डाल देंगे, 1/2 किलो मैंने मटर डालूंगी, 1/2 किलो ही चावल में और आलू डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह कितने मज़े का लग रहा है, बहुत मज़े का बनता है। अब तो मटरों का मौसम भी जाने वाला है क्योंकि ठंड ख़त्म होने वाली है, तो आप लोग भी मटर पुलाव मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ट्राई करें और बताइएगा ज़रूर कि मैं किस तरह बना रही हूँ कमेंट में। तो और अगर आपने लोगों ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो भी मिल सके। बाकी मुझे बताइएगा कैसे बनी, और अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा एक। तो जी अब हम इस मतलब कि अब बन रहा है, तो इसमें अब हम पानी थोड़ा लगाएँगे इसके हिसाब से कि इसमें गल भी जाए और चावल भी डाल दें हम लोग। तो जी मैंने अब इसमें पानी लगा दिया है, अब इसको गलाएंगे फिर मिलते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं चावल डाल दूँगी और अब मैं चावल भिगो दूँगी। तो जी वेलकम बैक, ये देखें अब ये हो गए हैं आलू मटर गल गए अच्छे से। अब इसमें हमने ये देखें चावल थे ये मैंने भिगो के रख लिए थे 10 से 15 मिनट, तो अब मैं इसमें ये डालूँगी पानी के साथ।
नहीं पानी ये साथ नहीं चले, पानी निकाल लेती हूँ फिर मैं डालती हूँ। तो जी अब इसमें सारे चावल डाल दूँगी मैं। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब इसमें ये इसी के साथ ये इसमें पुदीना और पुदीना डालेंगे पत्तियाँ चंद। पुदीना इसलिए कम डाले हुए, मेरे हस्बैंड कहते हैं मुँह में आता है, उनको हर चीज़ ही मुँह में लग रही होती है तो इस वजह से मैं कम डालती हूँ। तो जी अब चलें अब इसको दम पे रखते हैं, नहीं इसका पानी पहले थोड़ा सोख करते हैं फिर इसको दम पे रखते हैं। माशाल्लाह ये बन के तैयार हो गए हैं, अब इसको हम दम पे लगा दूँगी मैं। कितने प्यारे लग रहे हैं, धुआँ उड़ रहा है इसका मोबाइल पे, तो देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलें अब हम इसको दम पे लगा देते हैं अच्छे से। तो जी ये मटर आलू का पुलाव तैयार हो गया है और अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट में। तो जी ये देखें माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं चावल, बहुत अच्छे लग रहे हैं देख सकते हैं आप। ये मटर आलू का पुलाव आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, इसके साथ मैंने कबाब ट्राई करे हैं तो जी कबाब के साथ बहुत मज़े के लगते हैं और रायता सलाद सब। तो जी आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे कि कैसे बने हैं, और कोई मेरी अगर आज की रेसिपी और ये मटर आलू की रेसिपी अच्छी लगी हो चावलों की तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को मेरी लाइक कर दिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। चलें अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।